स गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टेइंग सेफ फिट एंड फाइन इट योर होम बच यू आफ्टर हॉलीडेज बिफोर हॉलीडेज यू नो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूर कंप्यूटर ठीक है काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको होमवर्क बितायाव न्यू द होम वर्क ऑल्सो ठीक है एक्टिविटी टू एंड थ्री टू डू आई होप यू ऑल हैव डन वी हैव डिस्कस द चैप्टर थॉरली नाउ वी हैव कम टू द एक्सरसाइजेज The exercises which are very important, there are three activities given. Okay, activity one, activity two, and activity three. In activity one, the question answers are given. Okay, activity two, which I have given you for the homework, easy part it is, and it is the fill in the blanks. Okay, and the third one is the true or false. Okay, you have to correct the false statement. Okay, but this also I have given you for the homework. Okay, so today we will discuss. द एक्सरसाइज ठीक है जिन बच्चों ने किया है होमवर्क दट वेरी गुड ठीक है बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड भी किया था इट वॉज वेरी नाइस ओके जो नहीं कर पाए या जिनका गलत है ठीक है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप अपना मैच कर सकते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं ठीक है आपको बुक में ही करना है यू डू इट इन यू बुक ओनली ओके बच्चों सो लेट स्टार्ट विद एक्टिविटी वन ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ कंप्यूटर वेरी इजी ओके यू कैन राइट इट आउट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डाटा कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं बच्चों जो भी आप डाटा देते हैं ठीक है ठीके? जो भी आप डाटा देते हैं उसी डाटा के रूप में वो क्या करता है आपको एक अच्छा सा आउटपुट देता है ठीक है जो भी आप उसको डाटा देंगे वो वैसा ही आपको आप क्या कर देगा आउटपुट प्रोवाइड करेगा ठीक है प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसिंग करने के बाद यू गिव यू द इट गिव यू द आउटपुट और द रिजल्ट ठीक है सो दैट इज अ डिफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डाटा सेकेंड वन नेम फ्यू ने फॉर्म्स ऑफ अ कंप्यूटर बच्चों कंप्यूटर के बहुत सारे इंटरक्टिव फॉर्म है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ये एक कंप्यूटर का ही रूप है है ना ए टी एम मशीन ठीक है पेट्रोल पंप्स गैस पंप्स

है ना आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे अचानक लाइट चली जाए तो डाटा तो खत्म हो गया ना तो आप उसको स्टोर करते हो ठीक है तो कुछ ऐसी चीजें होते हैं ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके डाटा को स्टोर करके रखता है है ना बच्चों सो अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो एक स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो कंप्यूटिंग हार्डवेयर होते हैं ठीक है जिसका यूज हम स्टोरिंग पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फाइल्स में कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द स्टोरेज डिवाइजेस अगेन बच्चो स्टोरेज डिवाइजेज इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग पोस्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ओके डी नेम द टाइप्स ऑफ मेमोरी जो सिंपली मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिकली दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी आपको सिर्फ नेमिंग करनी है हैं ठीक है रैम एंड रोम दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज वॉट रीड ओनली मेमोरी ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ई वॉट यू मीन बाई माइक्रो प्रोसेसर बच्चों माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कंप्यूटर एंड आपके सारे एरिथमेटिक एंड लॉजिक जो भी ऑपरेशन होते हैं ना बच्चों अंदर वो यही परफॉर्म यही जो है परफॉर्म करता है सो so, और ये कब स्टार्ट होता है Whenever आप जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं इट्स ये सारी चीजें बुक में है मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आपको ठीक है ना बच्चों सो द माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर

मेगा हर्ट एंड गीगा हर्ट्स मेगा हर्ट्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटल एम कैपिटल एच एंड स्मॉल गीगा हर्ट्स को आप लिख सकते हो कैपिटल जी कैपिटल एच एंड स्मॉल ओके सो दिस ऑल आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग द स्पीड्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेस डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर जी इज डिफरेंशिएट बिटवीन द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस बच्चों एन इनपुट डिवाइसेस सेंड्स द इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम यह आपको मैंने पढ़ा है ठीक है इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे आप क्या करते हो डाटा को इनपुट करते हो अंदर डाटा कंप्यूटर में देते हो है ना जैसे कीबोर्ड हो गया आपको माउस हो गया ठीक है ना बच्चों तो दी ऑल आर द इनपुट डिवाइज जबकि आउटपुट डिवाइस क्या होती है जो भी आप डाटा देते हो ना अंदर उसको मैं क्या करता हूँ उसका आउटपुट आपको देता उसका रिजल्ट जहां पर आप देखते हो वो आपके आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जैसे आपका मॉनिटर हो गया समझ में आ रहा है बच्चों ठीक है चलो तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द इनपुट डिवाइज एंड आउटपुट नेक्स्ट इज एच नेम फ्यू स्टोरेज डिवाइजे तो स्टोरेज डिवाइज तो बच्चों बुक में मैंने पढ़ाया था इजी है लिख सकते हो आप जैसे हार्ड डिस्क हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया है ना कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया पेन ड्राइव हो गया है ना बच्चों तो ये सारे आपके क्या है स्टोरेज डिवाइस जिसका आप यूज करते है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडर्न क्वेश्चन नंबर आई मॉडर्न का यूज मैंने बताया था मॉडर्न है जो आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है कनेक्ट करता है ठीक है और डाटा को क्या करता है ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ठीक है ठीक है ना बच्चों सो अ मॉडर्न इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज वन कंप्यूटर टू कनेक्ट द अनदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द डाटा ओवर द टेलीफोन लाइंस ओके दिस इज गिवन इन योर बुक आल्सो ठीक है नेक्स्ट इज वट इज अ सॉफ्टवेयर बच्चों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि जो भी कंप्यूटर में आप प्रोग्राम करते हो जो भी जो भी ऑपरेशन उसमें करते हैं ना वो क्या होता है वो सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं है ना वो सॉफ्टवेयर बना करके डाला जाता है कंप्यूटर्स में और उसी की मदद से आप सारे अपने ऑपरेशन वगैरह करते हैं ठीक है सो सॉफ्टवेयर इज वट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन

फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है सारी चीज़ों को मैंने आंसर्स बच्चों लिख दिए हैं ठीक है ना सो uh, so, आप उसके थ्रू जा सकते हैं फर्स्ट में आपके स्टोर रिट्राइव प्रोसेस ठीक है इजी फिल इन द ब्लैंक्स ये मैंने होमवर्क दिया था ये आप अपने उससे मैच कर सकते हैं जो भी आपने किया हुआ ठीक है ना यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछा सेकंड बी जो है आपके इसमें सॉफ्टवेयर है थर्ड में आपको इनपुट डिवाइसेस आएंगे डी इज अ परमानेंट ई e में स्टोरेज एफ में डी उसमें जो है डी की फुल फॉर्म पूछी है इसने तो डॉट्स पर इंच जी वाले में आपका पी यानी पेजेस पर मिनट ठीक है फिर एच में माइक्रो प्रोसेसर है एंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर पूछा है आई में दैट इज़ अ कंप्यूटर गेम्स और जे में आपके दो आपके सॉफ्टवेयर मेन पूछे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके एक्टिविटी टू ब्लैंक जो होमवर्क था जो सारे आंसर्स आपके बुक पर हैं अगर आप रीड करोगे थॉरोलिज

प्राइमरी मेमोरी में जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो टेम्पोरेली आप स्टोर करते हैं ये परमानेंटली नहीं होगा तो ये इसलिए फॉल्स है सेकेंड जॉएस्टिक गेम वगैरह खेल तो ये इनपुट डिवाइस है तो इट इज ट्रू इज एन इनपुट डिज इज बी एस आई सी बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस इट इज ट्रू बच्चों बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आप यूज करते हैं डी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज लेस देन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क बच्चों बच्चो इट इज ट्रू फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सी की जो कैपेसिटी होती है ना स्टोर करने की वो बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका नेक्स्ट ई द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिक चिप नहीं बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था कि माइक्रो प्रोसेसर को आप लोग लॉजिक चिप बोलते हैं ठीक है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है प्राइमरी मेमोरी की जगह आप माइक्रो प्रोसेसर लिख सकते हैं लास्ट वन इज स्कैनर इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस यस बच्चों सही है आप कोई भी चीज़ आपको फोटोग्राफ हो गया आई हो गई ठीक है कोई डॉक्यूमेंट हो गया स्कैन करना होता है ना तो वो इनपुट डिवाइस होती है ठीक है तो स्कैनर क्या होता है आपका एक इनपुट डिवाइस है जो आप क्या करते हो स्कैन करके उसको डाटा या इनपुट करते तो ये हो गए बच्चे आपकी सारी एक्टिविटीज ठीक है हमने चैप्टर वन अच्छे से डिस्कस किया थोड़ा ऑलरेडी रिवाइज़ किया एक बार फिर से आप वीडियोस अगर देख लेंगे ठीक है तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एक बार पढ़ लीजिए और फिर ये सारी चीज़ें आप अपने बुक में इन ए गुड हैंड राइटिंग आप इसको आज कर लेंगे तो यही आज आपका होमवर्क है बच्चों ठीक है ये सारे डिस्कस करने के बाद देखने के बाद आप जाइए अपने बुक में सारी चीज़ें नोटेड डाउन करिए नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चों तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय